Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start second chapter in your civics book, Understanding Secularism. ठीक है? जिसमें हम देखेंगे कि secularism हम किसको कहते हैं. First chapter में क्या हमने देखा था? First chapter में जो है हमने अपने Indian Constitution के बारे में पढ़ा था. ठीक है? कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से बनाया गया था, किस तरीके से implement हुआ था, क्या क्या उसके main features हैं. ठीक है? सेकेंड चैप्टर में जो है हम सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्यों जरूरी है, ये सब चीज़ें. ओपन योर सिविक्स बुक पेज नंबर 18. दिस इज योर सेकेंड चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट लिज्म इज वेरी पावरफुल. आपको बोल रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं. ठीक है? और आप जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे क्रिश्चियन जो धर्म है वो बहुत ही पावरफुल है, मतलब कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो क्रिश्चियन हैं उनके अंदर क्रिश्चियनिटी की जो फीलिंग है वो बहुत पावरफुल है. तो आपको कह रहे हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी फंडामेंटलिज्म की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, वहाँ पे आप या तो हिंदू हैं या मुस्लिम के रूप में वहाँ पे रह रहे हैं. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. अब आप मान के चलिए कि आप भले ही से जो है अमेरिका के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आपको जो है अपना घर किराए पर देना नहीं चाहता. हाउ वुड दिस मेक यू फील? आप कैसा फील करेंगे जब आपको पता लगेगा कि आप यूएस के सिटीजन तो हैं लेकिन कोई भी आपको अपना घर देना नहीं चाहता? क्यों? क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं हैं बल्कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं. वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? मतलब क्या इससे आपको बहुत गुस्सा नहीं आएगा? व्हाट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? और तब क्या हो जब आप इस जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव आपके साथ हो रहा है आप उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए जाएं और आपको कह दिया जाए कि आप वापस अपने देश भारत चले जाइए? ठीक है? तब क्या आपको कैसा फील होगा? वुड दिस नॉट मेक यू फील एग्री? क्या इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा कि आप अमेरिका में जाते हैं, वहाँ की नागरिकता लेते हैं यानी कि अमेरिका के सिटीजन बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप हिंदू या मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन नहीं है, आपको जो है कोई भी घर किराए पे नहीं देता, आप कंप्लेंट करने जाते हैं तो उल्टा आपको बोल दिया जाता है कि आप अपने देश भारत वापस चले जाए, तो क्या आपको सबसे गुस्सा नहीं आएगा? यू एंगर, योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. आपका जो गुस्सा है वो दो जो है फॉर्म्स ले सकता है. या तो आप फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी. आपको जैसे आपके साथ ये सब होगा तो आपको गुस्सा आएगा. गुस्सा आएगा तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप सोचेंगे, ठीक है, आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि ठीक है अब ये क्रिश्चियन हमारे साथ इस तरीके से कर रहे हैं तो जहाँ पे हिंदू या मुसलमान ज़्यादा रहते होंगे ना वहाँ पे हम क्रिश्चियंस के साथ सेम ऐसा ही बिहेव करेंगे. ठीक है? क्योंकि हमारे साथ ऐसा बिहेव हुआ है तो जहाँ पे हमारी संख्या यानी कि हिंदुओं या मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे हम क्रिश्चियंस के साथ ऐसा ही करेंगे जैसे ये हमारे साथ कर रहे हैं. या फिर आप क्या कर सकते हैं, और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. या फिर आप सोच सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि सबको, सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए. ठीक है? यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. आप इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं और कह सकते हैं इस बेस पे कि किसी भी आदमी के साथ, किसी भी पर्सन के साथ जो है धर्म के नाम पे या फिर वो जो भी प्रैक्टिस फॉलो करता है यानी कि किसी भी धार्मिक विचार को वो मानने वाला हो उसके बेस पे किसी भी पर्सन के साथ जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए. आप इस बात के लिए जो है फाइट करते हैं. फाइट का मतलब ये नहीं है कि किसी को पीटते हैं या लड़ते हैं बल्कि कानूनी रूप से अपनी आवाज़ को उठाते हैं. दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द असम्पशन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड. अब ये जो स्टेटमेंट है ये किस असम्पशन पे, किस धारणा पे बेस्ड है कि जो भी डोमिनेशन होता है यानी कि कोई एक धर्म के नाम पे कोई एक धर्म जो है दूसरे धर्मों को पे डोमिनेट करना शुरू कर देता है यानी कि उनको दबाना शुरू कर देता है, उन पर प्रभुत्व जमाने लगता है कि हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, इन सब चीज़ों को जो है ख़त्म होना चाहिए.
ठीक है, दिस इज द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म. अब सेकुलरिज्म का जो एसेंस है वो यही कहता है. सेकुलरिज्म मीन्स कि आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि आप जो है धर्म के नाम पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष, यानी कि हम किसी भी धर्म को ना तो छोटा मानेंगे ना ही किसी दूसरे धर्म को बड़ा मानेंगे. कि किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या चाहे कितनी भी हो, ठीक है, यानी कि हो सकता है किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, फिर भी हम उस धर्म को ज़्यादा महत्व दूसरे धर्मों के कंपैरिजन में नहीं देंगे. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम सेकुलरिज्म बोलते हैं, यानी कि सभी धर्म एक समान होने चाहिए और धर्म के बेस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. अब भारतीय संदर्भ में इस बात का क्या मतलब है, हम इस चैप्टर में उस चीज़ को पढ़ेंगे. सेकुलरिज्म आपको समझ में आ गया कि धर्म के नाम पे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा. हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, वो हमें बताती है कि धर्म के नाम पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है. ठीक है, यू मे हैव रेड अबाउट हाउ ज्यूज वर प्रोसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियन वर किल्ड. आपने देखा होगा कि हिटलर के समय में जर्मनी में क्या हुआ था, जो ज्यूज थे वर प्रोसिक्यूटेड, उनको जो है दबाया गया था, एंड हाउ सेवरल मिलियन वर किल्ड, और किस तरीके से जो है बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मारा गया था. नाउ हाउ एवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी क्वाइट बैडली. यू मे हैव रेड हाउ ज्यूइश वर प्रोसिक्यूटेड इन जर्मनी. अब ये कहते हैं नाउ हाउ एवर, अब क्या हो रहा है, देखो पहले तो ज्यूइश ने जो है ज्यूइश के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था, लेकिन अभी क्या है, ज्यूइश जो है इसराइल में, यानी कि स्टेट ऑफ इसराइल में, वो क्या कर रहे हैं, ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी क्वाइट बैडली, यानी कि उनके इसराइल में जो माइनॉरिटी क्या होती है, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, तो ऐसे मुस्लिम या ऐसे क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी में हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम है, खुद उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं, ज्यूइश, ठीक है, जो ज्यूइश धर्म के लोग हैं वो, ठीक है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल चर्च एक्सेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स. अब सऊदी अरेबिया में क्या होता है, मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, ठीक है, उनको जो है अलाउड नहीं होता कि वो मंदिर बनवा सके या चर्च बनवा सके, गुरुद्वारा बनवा सके, ठीक है, ना ही उनको जो है अलाउड होता है कि वो पब्लिक प्लेसेस में इकट्ठा होए और अपने अपने धर्म से रिलेटेड प्रार्थना कर सके. इन ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल्स मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ईदर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी. अब इन सारे एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, एक कम्युनिटी है कोई भी, एक मतलब एक किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों के साथ या तो भेदभाव हो रहा है किसी न किसी दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा, यानी कि एक धर्म को मानने वाले लोग दूसरे लोगों धर्म को मानने वाले लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं. दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजिली वैन वन रिलीजन इज गिव ऑफिशियल रिकोगशन बाई द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन्स. अब ये जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा कब पड़ जाता है, जब किसी देश की सरकार जो है ऑफिशियली किसी एक धर्म को अपना लेती है, ठीक है, यानी कि वो कह देती है कि हाँ हमारे देश का धर्म ही यही है. अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, सरकार ही ये डिक्लेयर कर देती है कि हाँ हम किसी एक धर्म को अपना लेते हैं, रिकोगनाइज कर लेते हैं, तो और भी सिचुएशन क्या होती है, ख़राब हो जाती है, दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों के ऊपर ये डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होने लग जाता है. क्यों, क्योंकि अब सरकार ही कह रही है कि हाँ हम एक धर्म को ज़्यादा जो है प्रमुखता से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अदर रिलीजन. अब देखो साफ सी बात है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ धर्म के नाम पे या तो भेदभाव हो या कोई दूसरे धर्म के लोग जो है उसके ऊपर जो है डोमिनेट करने की कोशिश करें, यानी कि उसके ऊपर अपना प्रभाव प्रभुत्व जमाने की कोशिश करें, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा. इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन.
या भारत में ऐसा हो सकता है कि सरकार किसी भी पर्सन के साथ जो है धर्म के नाम पे भेदभाव कर सके, यानी कि धर्म के नाम पे सरकार ये कह सके आप सुपीरियर हो, आप इन्फीरियर हो, आपको ज़्यादा महत्व देंगे या किसी और धर्म के लोगों को कम महत्व देंगे? क्या इंडिया में सरकार ऐसा कर सकती है? इसको हम पढ़ेंगे अभी। वट इज सेकुलरिज्म? पहले हम ये समझते हैं कि सेकुलरिज्म होता क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, उन राइट्स में से एक राइट क्या है, जो कि हमें बचाता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे हम उनसे उनमें जो मतलब जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनका हनन, यानी कि उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ या हमसे वो कोई भी वो फंडामेंटल राइट ना तो सरकार छीन सकती है, ना ही वो लोग जो कि मेजॉरिटी में यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा है वो लोग हमसे ये अधिकार छीन सकते हैं। ठीक है, कौन सा राइट था ये वाला? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, जहाँ पे हमें ये अधिकार मिला था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ना ही सरकार और ना ही कोई दूसरे पर्सन हमसे छीन सकते हैं। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमें अलाउ करता है, हमें परमिशन देता है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। इसी जो है जो हमने धर्म को लेकर आज़ादी लोगों को दी है कि आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं और किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसी के साथ साथ सरकार ने खुद को जो है धर्म से अलग रखा है, यानी कि सरकार किसी भी एक धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं देती है। ठीक है, हमने धर्म को और सरकार को अलग अलग रखा है। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि सरकार जो है वो धर्म से अलग रहेगी, सरकार जो है ऑफिशियली किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं बताएगी। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म बोलते हैं कि जहाँ हम खुद को धर्म निरपेक्ष बताते हैं, यानी कि सरकार कहती है कि हम किसी एक धर्म को ऑफिशियली, जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, ना ही हम ये कहेंगे कि हम एक हिंदू कंट्री है, हम क्या हैं, हम एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि हम किसी भी एक धर्म को जो है नहीं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते, जिसका जो मन है वो अपने अपने धर्म को खुद चुन सकते हैं। ठीक है, सरकार अपना धर्म कोई एक नहीं बताएगी कि सरकार ऑफिशियली ये कह दे कि भारत में जो है ये भारत जो है इस धर्म का देश है, ऐसा नहीं है। इंडिया क्या है? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, धर्म निरपेक्ष कंट्री है। द ड्रॉइंग इन दिस चैप्टर वर डन बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर एज, दे वर आस्क्ड टू ड्रॉ ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। अब ये जो ड्राइंग्स आपको इस चैप्टर में नज़र आ रही है ना, ये आपकी ही उम्र के बच्चों ने बना रखी है, जिनको कि रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धर्म के नाम पर जो सहिष्णुता होती है उसके बेस पर जो है ड्राइंग करने के लिए बोला गया था। ये देखो आपको अलग अलग पेजेस पे ये दिख रही है ना ड्राइंग्स, ये सब आपके एजेस के स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है। Why it is important to separate religion from state? अब ये जरूरी क्यों है कि स्टेट का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, बार बार स्टेट आ रही है, स्टेट आप जैसे पढ़ते हो ना स्टेट और सिटी, वो वाली स्टेट नहीं है, यहाँ स्टेट से मतलब है सरकार। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि सरकार को जो है धर्म से अलग रखना क्यों जरूरी है। As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. देखो सेकुलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता सबका सबसे जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, वो यही होता है कि सरकार को जो है धर्म से अलग रखा जाए। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब आपको पता है बहुत अच्छे से हमने चैप्टर वन में पढ़ा था डेमोक्रेटिक क्या होता है, जहाँ पे लोगों को अपनी सरकार चुनने की आज़ादी होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिकली हमें ऑपरेट करने के लिए यानी कि अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि हम धर्म को जो है सरकार से अलग करके रखें। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। लगभग विश्व के जितने भी देश हैं उन सब में क्या है, एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसा तो कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं। ये हो सकता है कि किसी धर्म के लोग ज़्यादा हों, दूसरे धर्मों
लोग कम हों, लेकिन ऐसी कंट्री एक भी नहीं है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हों। अलग अलग धर्मों के लोग हर कंट्री में रहते हैं। Within these religious groups, there will most likely be one group that is in the majority. इन सारे जो धार्मिक ग्रुप होते हैं, यानी कि अलग अलग धर्मों के जो लोग होते हैं अलग अलग देशों में, इनमें वो जरूर ऐसा होता है, क्या होता है कि एक धर्म के लोग जो है मेजॉरिटी में होते हैं। मेजॉरिटी में मतलब उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, दूसरे धर्मों को मानने वालों के कंपेरिजन में। इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टे पावर, देन इट वुड क्वाइट इजिली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द परसिक्यूट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सन ऑफ देयर अदर रिलीजन्स। अब क्या होगा अगर जो ये मेजॉरिटी वाले लोग हैं, मेजॉरिटी वाले जो लोग होते हैं, अगर इनके हाथ में सरकार चली जाए, यानी कि इन्हीं लोगों को बोल दिया जाए कि आप सरकार चलाओ, जिनकी जिनको जिस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या होगा, हो सकता है ये जो कम माइनॉरिटी वाले लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है, उन लोगों के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, और सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने ग्रुप को जो है मेजॉरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन पोर्शन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। यानी कि ये जो अगर हम इस तरीके का अधिकार एक धर्म को दे दें, यानी कि इस धर्म के लोगों को दे दें जिनकी संख्या ज़्यादा, उससे क्या होगा, देश में जो है भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे के अधिकारों को छीनने लगेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरे धर्म हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म होते चले जाए उस कंट्री से, ठीक है। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो मेजॉरिटी के लोग हैं, यानी कि अधिक संख्या वाले जो लोग हैं, वो जो माइनॉरिटी के लोग हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम है, ऐसे धर्म को मानने वाले लोगों के साथ उनको जो है रोक सकते हैं कि वो अपने धर्म को माने, ठीक है, उनको फोर्सफुली बोल सकते हैं कि नहीं तुम अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है नहीं कर सकते हो। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। इस तरीके का जो डोमिनेशन होता है, यानी कि एक धर्म जब दूसरे धर्म के ऊपर अपना प्रभाव जमाने लग जाए और दूसरे धर्मों के लोगों को जो है उनके रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को मानने से रोके, तो वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सभी नागरिकों को धर्म के बेस पर जो समान अधिकार मिला है उसका क्या होता है, हनन होता है, यानी उस राइट का वायलेशन होता है। देयरफॉर द टायरनी ऑफ अ मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इन वन पर्सन, why it is important to separate the state and religion in democratic societies। इसीलिए ताकि एक धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर सकें, ठीक है, और दूसरे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उनको मिले हैं उनको छीन ना सके, इसीलिए सरकार को धर्म से अलग रखना बहुत जरूरी है। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teachings differently। एक और कारण क्या है कि सरकार को धर्म से अलग रखा जाता है, ताकि जो हमारी democratic society है में जो है धर्म को जो है सरकार से अलग इसलिए रखा जाता है, क्यों, क्योंकि हमें जो है उन लोगों की मतलब सभी लोगों की जो है फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो अपने धर्म को छोड़ के उनको मतलब मजबूर ना किया जाए कि वो अपने धर्म से एग्जिट कर लें, या एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और टू हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। यानी कि ना तो उनको फोर्स किया जा सकता है कि वो अपने धर्म को छोड़ दें, और ना ही वो किसी उनको जबरदस्ती कहा जाएगा कि आप अपना धर्म छोड़ो और दूसरे धर्म को अपनाओ, और जिस तरीके के रिलीजियस टीचिंग्स वो करते हैं उनको जो है अलग अलग इंटरप्रेट करने का, यानी कि उसको अलग अलग तरीके से समझने का, जो उनको आज़ादी दी गई है उसका हनन ना हो सके, ठीक है।
देखो इस बात का क्या मतलब है, जब हम कहते हैं कि हमने धर्म को जो है सरकार से अलग रखा है, तो वहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, लोगों को एक आज़ादी भी देते हैं, ठीक है, ताकि प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि लोगों के पास आज़ादी है कि अगर वो एक धर्म से दूसरे धर्म को में जाना चाहते हैं, यानी कि एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, ठीक है, और दूसरे धर्मों को भी मान सकते हैं, या फिर दूसरे धर्मों की जो टीचिंग्स हैं उनको अपने तरीके से उसका मतलब जो है वो समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों की जो फ्रीडम लोगों को दी गई है, इसको मेंटेन रखने के लिए भी धर्म और सरकार को अलग रखा जाता है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में जो है पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई द ट्राई एंड रिफॉर्म इट। आप मानते हैं कि जो हिंदुओं की एक प्रथा है छुआछूत की, आपको वो पसंद नहीं है और आप चाहते हैं इसमें सुधार लाना, ठीक है। हाउ एवर इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, दैन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज। लेकिन तब क्या हो जब आपको पता चले कि जो सरकार है वो ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को मानते हैं, अगर सरकार भी वही लोग चला रहे हैं तो क्या आप जो है इस सिस्टम को बदलने में मतलब आपको आसानी रहेगी कि आप जो छुआछूत की जो प्रथा है उसको जो है ख़त्म करना चाहते हैं या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल होगा? जब आपको पता चलेगा कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो ऐसे ही हिंदुओं से मिलके बनी हुई है सरकार जो कि अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं या मानते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। इवन इफ यू वर द पार्ट ऑफ डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। अगर आप खुद भी एक हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये छुआछूत का जो प्रथा है उससे प्रॉब्लम है, आप उसको जो है ख़त्म करना चाहते हैं, आप इसी धर्म से बिलोंग करते हैं यानी कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो भी आप जब आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ तो क्या होगा, आपको अपने ही धर्म के लोगों से जो है मतलब आपको अपने ही धर्म के लोगों से जो है अपोजिशन आएगा यानी कि विरोध सहना पड़ेगा, ठीक है, और आपके लिए आसान नहीं होगा इसको जो है ख़त्म कर पाना। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट माइट से दैट देर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। जो लोग सरकार चला रहे हैं ऐसे हिंदू लोग कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो है एक ही तरीके से व्याख्या की जा सकती है और आप अपने तरीके से हिंदू धर्म की व्याख्या अपने शब्दों में नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, अब हम समझते हैं कि भारतीय धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। अब जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या कंपलसरी बनाता है कि जो भारतीय सरकार होगी वो क्या होगी, सेक्युलर होगी, ठीक है, यानी कि धर्म निरपेक्ष होगी, किसी एक धर्म को नहीं मानेगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो धर्मनिरपेक्ष सरकार होती है सिर्फ वो ही अपने जो है उद्देश्यों को पाने में प्राप्त करने में सफल हो सकती है। कौन कौन से उद्देश्यों को, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के बाकी लोगों के ऊपर भी डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ना तो सरकार जो है लोगों पे जबरदस्ती हो सकती है कि आपको इसी धर्म को मानना है और ना ही लोगों को जो है अपने अपने धर्मों की प्रैक्टिस करने से रोक सकती है, ठीक है। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन, जो भारतीय सरकार है उसने बहुत सारे जो है बहुत काम किया है इस सब चीज़ों को जो है इस डोमिनेशन को जो है रोकने के लिए। फर्स्ट इट यूजेज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, पहला काम उसने क्या करा है कि खुद को यानी कि सरकार ने खुद को धर्म से अलग रखा है। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, जो सरकार होती है वो किसी भी एक धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा नहीं चलाई जाती है, बल्कि कौन चलाता है सरकार, जो लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, ठीक है, वो सब लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, किसी एक धर्म के लोग मिलकर सरकार नहीं चलाते हैं और ना ही किसी एक धर्म को वो सपोर्ट करते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट्स
spaces like law courts, police station, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. भारत में क्या है, जो सरकारी जगह है जैसे कि कोई कोर्ट है, लॉ का कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं, ऑफिसेस हैं, वहाँ पे किसी एक धर्म को जो है बढ़ावा देने वाली चीज़ें जो है डिस्प्ले नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट हाई स्कूल की कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओ। ये पिक्चर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। सीमापुर के एक सरकारी स्कूल में कुछ जो बच्चे हैं वो क्या है, कुछ एक रिलीजियस फेस्टिवल को, एक धार्मिक जो त्यौहार है उसको मनाना चाहते हैं। सर देर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। बच्चे कहते हैं कि सर नेक्स्ट मंथ जो है बहुत बड़ा जो है धार्मिक त्यौहार आ रहा है। वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। वो कहते हैं कि हमने कभी भी इस त्यौहार को स्कूल में नहीं मनाया है, क्या हम इस साल ऐसा कर सकते हैं। यानी कि बच्चे चाहते हैं कि वो अपने धार्मिक त्यौहार को स्कूल में मनाएं। आई एम अफ्रेड दैट इज नॉट पॉसिबल। रेखा सर कहते हैं कि मुझे डर है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक सरकारी स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। अभी हमने पढ़ा ना कि किसी भी सरकारी स्कूल में, दफ्तर में, पुलिस स्टेशन वगैरह में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे सर भी बच्चों को यही बता रहे हैं कि ये आपका स्कूल एक सरकारी स्कूल है, यहाँ पे हम किसी एक धर्म को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रीमाइसेस। सरकारी जो स्कूल होते हैं वो अपने भवनों में किसी भी एक धर्म के त्यौहारों को नहीं मनाते हैं। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज। जो ज़्यादातर आपने, आपको पता होगा ना, जो ज़्यादातर धार्मिक त्यौहारों पे जो है पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम्स। इसलिए होती हैं वो छुट्टियाँ ताकि हम इन त्यौहारों को अपने अपने घरों में मना सकें। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे। अभी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा था। किस तरीके से, कि भाई एक हमारा जो धर्म है हम उसको अगर बनाएंगे तो दूसरे धर्मों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। मुझे लगता है कि हम इसे हमेशा स्कूल के बाहर ही मना सकते हैं। एनी वेज वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी। वो दूसरी लड़की कहती है ठीक है, हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं इसको अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करने की। इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियंस इक्वली। अब जो ये ऊपर आपको स्टोरी बोर्ड दिया गया है, यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि अगर स्कूलों में, सरकारी भवनों में किसी एक धर्म को मनाने की जो अगर परमिशन दे दी जाती है तो वो जो हमारा सरकार की जो पॉलिसी है सभी धर्मों को बराबर मानने की, उसकी अवहेलना होगी। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन इधर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। सरकारी जो स्कूल हैं वो ना तो अपने सुबह की प्रार्थनाओं में किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं और ना ही किसी एक धर्म के त्यौहारों को मनाकर। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। ये जो रूल है ये प्राइवेट स्कूल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबर डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा जो तरीका सरकार अपनाती है सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या और दूसरे धर्म, एक धर्म के लोगों को डोमिनेशन को रोकने के लिए, वो क्या है कि वो नॉन इंटरफेरेंस यानी कि किसी की भी तरीके का दखल अंदाजी से बचती है। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। यानी कि किसी भी धर्म के लोगों को उनकी अपने अपने प्रैक्टिसेस को करने देने के लिए सरकार क्या करती है, उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं उनसे थोड़ा दूर रहती है, यानी कि उनको एक्सेप्शंस दी हुई हैं अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ को उनकी अपनी प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए और सरकार उन चीज़ों में दखल नहीं देती है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक और स्टोरी बोर्ड आगे देखो नीचे, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। अब कुछ दोस्तों के जो ग्रुप हैं उन्होंने अभी अभी स्कूटर लिए हैं और वो जो है एक साथ जो है राइड पे जाना चाहते हैं, ठीक है। हे आई हैव, आई होप यू हैव अ हेलमेट। वो एक जो पर्सन है वो दूसरे को कहता है हाय मुझे लगता है कि तुम्हारे पास हेलमेट होगा। यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन। आपको पता है ना कि दिल्ली में क्या है,
आपको जो हेलमेट पहनना ज़रूरी है। वाई आर नॉट यू वेयरिंग अ हेलमेट, अब वो कहते हैं कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हैं, डू यू वॉन्ट टू बी फाइंड, क्या आप फाइन देना चाहते हैं, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड। अब जो दूसरे पर्सन है वो कहते हैं कि नहीं मैं फाइन नहीं, मुझ पर फाइन नहीं लगाया जाएगा, हे परमजीत वाई वॉन्ट यू बी फाइंड। अब वो दूसरा पर्सन पूछता है क्यों आपके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगाया जाएगा, फॉर सेक्स वेयरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, अब वो बताते हैं कि हमारे सिख धर्म में पगड़ी पहनना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे धर्म का एक हिस्सा है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट, जो सरकार है वो मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं एक हेलमेट पहनूँ। तो इस तरीके की थोड़ी जो एक्सेप्शंस हैं वो हमने कुछ धर्म के लोगों को दी हुई है ताकि हम उनके धार्मिक भावनाओं को जो है हर्ट करने से बचे। तो सरकार ने अलग अलग धर्मों को कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस इस तरीके की दे रखे हैं कि ठीक है आपको पगड़ी पहनना अपने धर्म में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं तो आपको हम हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट, अब इस स्टोरी में क्या है परमजीत जो कि सिख बॉय है उसको हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वेयरिंग अ पगड़ी या जिसको हम टर्बन बोलते हैं इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ। अब जो भारतीय सरकार है उसने ये रिकॉग्नाइज किया है कि सिख धर्म में जो है पगड़ी पहनना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम उनको जो है पगड़ी को हटाकर हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं करेंगे। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, पहले हमने बोला कि सरकार को इंटरवेंशन नहीं करेगी। तीसरा तरीका जो सरकार ने निकाला है डोमिनेशन से बचने का वो ये है कि सरकार इंटरवेंशन करती है। किस तरीके से करती है इंटरवेंशन यानी कि दखलंदाजी किस तरीके से करती है उसको देखते हैं। यू रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, आपने अभी क्या पढ़ा था छुआछूत के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। दिस इज गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट विद इन इट, यहाँ पे क्या देखा था हमने कि एक ही धर्म के कुछ अपर कास्ट के लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोअर कास्ट के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं यानी कि उनके साथ छुआछूत का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस, इस चीज़ को रोकने के लिए दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट एंड हिंदू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी, अब इस तरीके की जो प्रैक्टिस है कि एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोअर कास्ट के लोगों को जो है अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने क्या करा है रिलीजियस हैज बैन अनटचेबिलिटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी को बैन किया है। In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that is believed, that it believes discriminates and excludes. अब इस तरीके के प्रैक्टिस में क्या होता है सरकार धर्म में दखलंदाजी देती है ताकि लोगों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो सके। And the that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. अब यहाँ पर सरकार ने इस धर्म में दखलंदाजी क्यों करी, क्योंकि उसको लगता है कि इस तरीके से अगर सरकार इस अनटचेबिलिटी को नहीं रोकेगी तो जो लोअर कास्ट है जो कि हमारे ही इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके उनके फंडामेंटल राइट से दूर रखा जाएगा और फंडामेंटल राइट तो हर एक को मिलता है ना, तो इसलिए सरकार यहाँ पे दखलंदाजी करती है और जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की उसको ख़त्म करती है। फंडामेंटल राइट्स सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, इसी तरीके से जो हमारे लॉ हैं वो किससे रिलेटेड इक्वल इनहेरिटेंस यानी कि सबकी एक इक्वल एग्जिस्टेंस होती है उनको रिस्पेक्ट आर उनकी जो है रिस्पेक्ट की जाती है। द स्टेट मे हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज, इस सरकार को जो है जो कम्युनिटीज अपने ही रूल बना लेती हैं पर्सनल लॉज बना लेती हैं उनमें जो है दखल देने की ज़रूरत पड़ती है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, अब इस तरीके के दखलंदाजी सरकार जो है किसी ना किसी चीज़ को सपोर्ट करके भी दे सकती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, किस तरीके से सपोर्ट करती है कि सरकार ने इजाज़त दी है कि धर्म कोई पर्टिकुलर धर्म जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने ही स्कूल या कॉलेजेस खोल सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, सरकार इनको कोई ना कोई नॉन प्रेफरेंशियल बेस पे
सरकार जो पैसों की सहायता भी देती है. इन व्हाट वे इज इंडिया सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. अब हम देखते हैं कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से किस तरीके से अलग है. सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर हिस्से जो हैं काफ़ी सारी कंट्रीज से जो हैं सिमिलर हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. देखो सबसे पहला जो अमेंडमेंट यानी कि एक अमेंडमेंट क्या होता है, एक चेंज जो US कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया था वो क्या रोकता है, वो लेजिस्लेचर को रोकता है उस तरीके के कानून बनाना ताकि किसी रिलीजन एस्टेब्लिशमेंट यानी कि किसी धर्म के उसकी बिल्डिंग को या उसकी किसी इमारत को रिस्पेक्ट करना और प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज या फिर लोगों को जो है अपनी मर्जी के धर्म के पालन करने से अगर कोई कानून रोकता है तो उसको जो है US कॉन्स्टिट्यूशन ने बदल दिया. बट इस मीन बाय वर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज अ ऑफिशियल रिलीजन. एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि सरकार किसी भी एक धर्म को अपना सरकारी धर्म नहीं बताएगी. नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना ही वो किसी एक धर्म को प्रमुखता देंगे. इन द USA द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर. USA में क्या है, देखो स्टेट ऑफ रिलीजन ने अपने आप को एक दूसरे से अलग रखा है और ना तो धर्म सरकार में दखल देता और ना ही सरकार धर्म में दखल देती है. देर इज वन अनदर वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म differs from dominant understanding of secularism as practiced in the USA of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, the Indian secularism, the state can interfere in religious affair. You have read about how the Indian constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. अब USA में हमने क्या देखा कि सरकार पूरी तरीके से धर्म से अलग है, बिल्कुल भी कोई किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं करती. इस चीज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन जो हमारा सेकुलरिज्म है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि सरकार कुछ कमियों को दूर करने के लिए धर्म में दखल देती है, जैसे कि अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए सरकार दखल देती है और हमने इस चीज़ को बैन किया हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि भारत में जो धर्म और सरकार जो है बिल्कुल भी अलग अलग है, सरकार को कभी कभी धर्मों में दखल भी देना पड़ता है. In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does not maintain a principal distance vis-a-vis religion. मतलब भारत में क्या है, बिल्कुल ही अलग नहीं रखा गया धर्म और सरकार को, बल्कि क्या है इंडिया को सेकुलर बनाने की दिशा में ही जो है धर्म से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है हम जो है स्ट्रिक्टली हमने अपने आप को सेपरेट नहीं किया हुआ है. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideal laid out in the constitution. यानी कि सरकार किसी धर्म में तभी दखल दे सकती है जब उसको लगे कि जो हमारा constitution है जो वो दखल जो है हमारे constitution पे ही based होगा, यानी कि हमारे constitution के जो आदर्श हैं उनको स्थापित करने के लिए ही सरकार जो है धर्मों में दखल दे सकती है. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. अब ये जो ideals हैं यानी कि जो हमारे संविधान में mention है कि हाँ इस तरीके के ideals होने चाहिए, इन्हीं के basis पे हम पता लगा सकते हैं कि सरकार जो है धर्म में दखल मतलब सरकार जो है secularism के according किसी धर्म में दखल दे रही है या नहीं दे रही है, यानी कि constitution को पूरा पूरा जो है मानना जरूरी है सरकारों को, अपनी मर्जी से दखल नहीं दे सकती. इन इंडियन स्टेट इज सेकुलर द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. भारत क्या है, एक सेकुलर देश है, ठीक है, और अलग अलग जो धर्मों को डोमिनेशन को बचाने के लिए काम करते हैं, यानी कि वो कोशिश करता है कि कोई भी एक धर्म दूसरे धर्मों को डोमिनेट ना करे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दी सेकुलर प्रिंसिपल्स. भारतीय संविधान क्या है, लोगों को गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की, जो कि हमें जो कि इन सेकुलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं, यानी कि धर्म के नाम पे हमें जो है आज़ादी मिली हुई है, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है हम सेकुलर हैं. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनका हनन होता है, कहीं ना कहीं जो है हमारे जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनका वॉयलेशन होता है। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. अब क्योंकि ये जो है बहुत frequently happen होता है, यानी कि हमारे जो ये secularism के fundamental rights है इनका हनन होता है। आपने देखा होगा कहीं ना कुछ इस तरीके की practices आज भी होती रहती है, तो हमें कुछ ना कुछ जो है अपने संवैधानिक तरीके निकालने होंगे इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वॉयलेशन। हमारी हमें जो है सबसे पहले अपने इन अधिकारों की जानकारी होना ही जो है हमें सेंसिटिव बनाएगी इन राइट्स के लिए, ठीक है। टू देयर वॉयलेशन एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वॉयलेशन टेक प्लेस। देखो इसके लिए हमें अपने धर्म को अपने राइट्स को जानना जरूरी है ताकि हमें पता लग सके कि कब हमारे जो है इन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप जो है इन जो वॉयलेशंस के खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले लोगों को अपने राइट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।